हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होता है या किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको मैंने कल बताया था R इज इक्वल टू रो एल बाई के। तो यदि हम कल्पना करें यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल बराबर 1 मीटर लें, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर लें, तब आर बराबर होगा, यानी रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस कहलाएगा उसका रेसिस्टिविटी। यह किसी भी मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। गोल्ड के लिए रेसिस्टिविटी का वैल्यू कुछ और होगा और आयरन के लिए कुछ और होगा, कॉपर के लिए कुछ और होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर के लिए यह वैल्यू एक कांस्टेंट है। अब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी मटेरियल का या कंडक्टर का हम बढ़ाएं तो क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मोबाइल हो रहे हैं, इनका कोलिजन शुरू हो जाएगा बहुत तेजी के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर यानी थर्मल एजिटेशन इनमें होगा, इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एजिटेट होगा और एक थर्मल एजिटेशन के कारण इनका कोलिजन होगा। किससे कोलिजन होगा, इसका कोलिजन होगा लैटिसेस से और आपस में भी कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा, आप जानते हैं कि कल मैंने बताया था कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई टू एम। यहाँ टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, यह टाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की दूरी तो वही है, लेकिन स्पीड जब ज्यादा होगा, थर्मली एजिटेट होगा, तो उनके बीच का जो टक्कर होगा, टक्कर लगने में लगा समय कम हो जाएगा और टक्कर लगने में लगा समय सक्सेसिव कॉलिजन में जो समय लग रहा है वह टाइम कम होगा। ऐसी स्थिति में यह जो कंडक्टिविटी है इसकी कंडक्टिविटी घटेगी और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बीच रिलेशन है कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई कंडक्टिविटी, दैट इज रेसिस्टिविटी रेसिप्रोकल है, यानी कंडक्टिविटी घटेगी मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। अर्थात यदि कंडक्टर गर्म हो रहा हो, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा हो, ऐसे स्थिति में उस कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी बढ़ेगा अगर रो का वैल्यू बढ़ेगा, एल और ए का रेशियो लगभग वही बना रहेगा, लेकिन रो का वैल्यू बढ़ेगा और रो का जब वैल्यू बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जिस तरह से रेसिस्टिविटी वैरी करेगा उसी तरह से उसका रेसिस्टेंस भी वैरी करेगा और इसके लिए हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि रो टू इज इक्वल टू रो वन इंटू वन माइनस एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट है अल्फा या गामा इंटू डेल्टा थीटा से हम इंडिकेट कर सकते हैं। रो टू बराबर है रो वन इंटू वन माइनस गामा इंटू डेल्टा थीटा। यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इस कांस्टेंट क्वांटिटी मटेरियल टू मटेरियल वैरी कर सकता है। तो ये रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ यह रेसिस्टिविटी बढ़ता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा मैं सुपर कंडक्टर के विषय में अभी बता दे रहा हूँ कि सुपर कंडक्टर के साथ क्या होता है। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, सुपर कंडक्टर का मतलब हुआ कि ऐसा कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो इसको करने के लिए बहुत लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है और सभी मटेरियल इसको अचीव नहीं कर पाते। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जैसे मरकरी, तो मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे,
इस पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके नीचे यह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे देखिए कोई भी मटेरियल के लिए अगर हम एक तरफ हम इसका कंडक्टेंस दें और एक तरफ हम अगर टेम्परेचर दें, इधर हम टेम्परेचर लिख रहे हैं और इधर हम इसका इसका हम रेसिस्टिविटी की बात करें, तो हम इसको कैसे ग्राफ खींच सकते हैं? इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। जनरली दिखाता है क्या कि टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे इसी कंडक्टिविटी का घटना बंद हो गया, पहले कंडक्ट रेसिस्टिविटी का घटना बंद हो गया। यदि हम टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी के बीच ग्राफ खींचे तो यह ग्राफ जनरल मटेरियल के लिए यही आता है। हम देखते क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे इसका रेसिस्टिविटी भी घट रहा है, लेकिन रेसिस्टिविटी घटते घटते कैसी स्थिति आती है कि यह कांस्टेंट हो जाता है, इससे ज्यादा यह घटेगा नहीं, क्योंकि इस पर अगर आप टेंजेंट खींचिएगा तो यह टेंजेंट टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल हो गया है। लेकिन मरकरी के केस में ऐसा नहीं है। मरकरी के केस में अगर आप देखिएगा, इधर अगर हम टेम्परेचर रखें और इधर हम रेसिस्टिविटी रखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। यह घट रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर यह टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर आकर अचानक यह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है और इसका रेसिस्टिविटी जीरो हो जाता है। इस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ऐसे कई एलॉय बनाए गए हैं जिसके कारण जिसमें वह लोअर टेम्परेचर पर, बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर यह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। आज भी इस पर बहुत सारे रिसर्चेज हो रहे हैं कि कम टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर या 300 केल्विन टेम्परेचर पर हम कैसे किसी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत हद तक साइंटिस्ट्स को सफलता मिली है, ऐसे सुपर कंडक्टर्स बनाए गए हैं जो लो टेम्परेचर पर यह लोअर टेम्परेचर अभी भी निगेटिव टेम्परेचर है। निगेटिव टेम्परेचर का मतलब हुआ डिग्री सेल्सियस में, तो उस टेम्परेचर पर यह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन अभी तक ऐसे सब्सटेंस को हम नहीं बना पाए हैं जो पॉजिटिव डिग्री सेल्सियस पर अर्थात रूम टेम्परेचर पर उसको हम सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करा सके, ऐसा कोई मटेरियल अभी तक हम खोज नहीं पाए। और इसके बाद अभी हम ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस पढ़ेंगे, देखें आगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। द रेसिस्टेंसेज मे बी कंबाइंड इन टू वेज, द फर्स्ट इज सीरीज कम्बिनेशन एंड द सेकेंड इज पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब हुआ इफ टू और मोर कंडक्टर्स और रेसिस्टर्स आर कंबाइंड इन सच ए वे दैट द सेम करंट इज पास्ड थ्रू ईच ऑफ द रेसिस्टर, देन दे आर सेट टू बी इन सीरीज। जैसे यहां देखिए कि R1, R2 और R3 वैल्यू का रेसिस्टेंसेज को हमने जोड़ा इस तरह से, यदि I करंट एक से होकर जा रहा हो R1 से तो I करंट को ही जाना होगा R2 से और I करंट को ही जाना होगा R3 से, क्योंकि तो दूसरा कोई रास्ता जाने का है भी नहीं। तो चूंकि सेम करंट सभी रेसिस्टर से होकर जा रहा है इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफ टू और मोर रेसिस्टेंसेज आर कंबाइंड इन सच ए वे दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड, देन दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। देखिए यह इसका मान लीजिए पोटेंशियल इस टर्मिनल का VA है, इस टर्मिनल का VB है, तो इसमें हम होता क्या है कि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंसेस को इस प्रकार से जोड़े कि प्रत्येक रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस समान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो,
जैसे आर वन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए माइनस वी बी, वी ए इस टर्मिनल का पोटेंशियल है, वी बी इस टर्मिनल का पोटेंशियल है, वी ए माइनस वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन, वी ए माइनस वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू, एंड सिमिलरली द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर अक्रॉस आर थ्री, सो देन दे आर सेट टू बी इन पैरेलल। तो इसको हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, इसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं। जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तब क्या होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तब क्या होता है, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालकर दिखा रहे हैं। कैसे, सपोज कीजिए कि इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया ताकि करंट शुरू हो जाए बहना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, या मान लीजिए कि ईएमएफ या वोल्टेज भी है, या वोल्टेज भी प्रोड्यूस कराया बैटरी जोड़ दिया, इससे होकर सपोज कीजिए कि आई करंट जा रहा है, तो आई करंट इससे भी जा रहा है, आई करंट इससे भी जा रहा है, आई करंट इससे भी जा रहा है। सपोज कीजिए कि यहाँ का इस टर्मिनल का पोटेंशियल है वी ए, इसका पोटेंशियल है वी बी, इसका पोटेंशियल है वी सी, इसका पोटेंशियल है वी बी, तो वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिख सकते हैं, यह होगा आई वन आई एन टू आर वन, सेम करंट इससे भी होकर पार कर रहा है, इसलिए वी बी माइनस वी सी को क्या लिख रहे हैं, या आई एन टू आर टू। उसी तरह से वी सी माइनस वी डी को क्या लिख रहे हैं, VC माइनस VD इज इक्वल टू I इंटू आर थ्री। यदि आप तीनों को ऐड कीजिए तो ऐड करेंगे तो माइनस VB प्लस VB कैंसिल, माइनस VC प्लस VC कैंसिल, यह हो जाएगा VA माइनस VD, VA माइनस VD इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। अब मान लीजिए कि ए और डी, या टर्मिनल मान लीजिए ए है या टर्मिनल डी है, ए और डी टर्मिनल के बीच एक ही रेसिस्टेंस होता आर वैल्यू का, जो समान इफेक्ट पैदा करता, जो आई करंट ही लेता अपने से होकर, तब हम ऐसे रेसिस्टेंसेज के कॉम्बिनेशन को, तब ऐसे रेसिस्टेंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यदि आई अगर इक्विवेलेंट, इफ आर बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, देन वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू, तब तो हम आई इंटू आर लिखें, एक ही रेसिस्टेंस इसके बदले में दिए आर वैल्यू का, या टर्मिनल ए था या टर्मिनल डी था, और इससे होकर आई करंट जा रहा था, तो ए और डी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था आर, तो वी ए माइनस वी डी बराबर आई आर हो जाएगा। या इक्वेशन दो मानिए, एक और दो को इक्वेट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो इक्वेटिंग वन एंड टू आई आर इज इक्वल टू आई R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इसलिए R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अभी हमने बताया था कि इफ टू और मोर रेसिस्टेंसेज आर कंबाइंड इन सच ए वे दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ईच ऑफ द रेसिस्टर, देन दे आर सेट टू बी इन पैरेलल। तो यह पैरेलल में इसलिए है कि वी ए माइनस वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन और अक्रॉस आर टू एज वेल एज अक्रॉस आर थ्री, सो यह पैरेलल में है। अब हम निकालें कि इसको पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। अब यहां देखें कि हम आई वन बराबर क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि यहां वी ए माइनस भी रिटन एज आई वन आर वन, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है, तो यह आई वन आर वन के बराबर है, अर्थात आई वन बराबर क्या है, वी ए माइनस वी बी बाई आर वन है। सिमिलरली आई टू बराबर क्या होगा, सिमिलरली
I2 is equal to Va minus Vb by R2 and I3 बराबर क्या होगा Va minus Vb by R3। इसलिए तीनों को जोड़ेंगे इसलिए I बराबर हो जाएगा I1 plus I2 plus I3। अगर हम R भी the equivalent resistance of the combination, then एक ही अगर तीनों के बंधन में एक ही रेसिस्टेंस देंगे जिसका समान इफेक्ट जो अभी हो रहा है, ऐसे स्थिति में Va minus Vb I को लिखेंगे by R बराबर है यहाँ I1 है Va minus Vb by R1, यह है Va minus Vb by R2 और यह है Va minus Vb by R3। अगर Va minus Vb को कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R is equal to R1 R2 R3 divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1। इस फॉर्म में भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। कल हम लोग इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।